पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये है कि जो बेसिकली जो हमारी जो इक्वेशन है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर जो है वो इक्वेशन जो है वो बेसिकली करेक्ट मानेंगे। ठीक हो गया। तो हम जो है वो अपनी फर्स्ट एग्जांपल से जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो इसमें हमें जो है वो गिवन है, जो हमारे पास डायमेंशन है फोर्स की जो कि एम वन एल वन टी माइनस टू, और जो वेलोसिटी की है वो है एल टी माइनस वन, और जो मास है उसकी है एम वन, और जो हमारे पास जो आर रेडियस है उसकी हम जो डायमेंशन है वो हमारे पास L है। ठीक है, गिवन ये हमने जो है वो फाइंड करनी है कि यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन, के जो करेक्ट जो रिलेशन है उसको हमने जो है वो इसमें वेरीफाई करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो देखते हैं। तो जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास है फोर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्स है उसकी अगर हम जो डायमेंशन है उसको हम देखें तो वो गिवन है हमारे पास जैसे कि ये है, यानी कि जो फोर्स है वो इक्वल है एम मास की पावर वन, एल की पावर वन लेंथ और टी टाइम पीरियड माइनस टू, टाइम माइनस टू। ठीक हो गया, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो है ये बेसिकली हमारे पास हो गई इक्वेशन, यानी कि रिलेशन वन हो गया। राइट हैंड साइड में हम जो हमारे पास है वो है एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर। अब हम इसकी जो डायमेंशन हैं वो अगर हम देखें तो मास की जो डायमेंशन है वो है एम वन पावर, और जो वी की है वो हमारे पास है एल टी माइनस वन और स्केयर है। ठीक है, और हमारे पास जो आर की है वो है हमारे पास एल और इसका स्केयर हो गया। ठीक हो गया, आसान। अब हम जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो जो स्केयर्स हैं उनको हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एल का हमारे पास स्केयर है टी माइनस टू हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो एल का भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो है वो यहाँ से भी जो है वो एल और एल को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जो है वो जो डायमेंशन हैं उनको हम अगर अलग अलग स्केयर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है, अगर हम अलग अलग स्केयर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास एल स्केयर, और हम जो है वो अब हम अगर हम देखें तो जो लेंथ और लेंथ है वो जो है क्योंकि जो है वो पावर सेम है तो ये जो है वो कट हो जाएंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा एम वन टी माइनस टू हमारे पास आंसर होगा, और अगर हम लिखना चाहें तो लेंथ की पावर ज़ीरो हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास है रिलेशन नंबर टू। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें जो है वो लेंथ की पावर वन है लेकिन यहाँ पर जो है वो लेंथ की पावर ज़ीरो है, इसीलिए जो है वो अगर हम जो लास्ट में अगर हम स्टेटमेंट लिखें कि फ्रॉम वन एंड टू, सिंपल फ्रॉम वन एंड टू जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली क्या होगा कि वो बेसिकली जो है वो नॉट इक्वल होंगे। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये इसमें जो है वो हमने देखा कि जो है वो डायमेंशनली जो है वो ये नॉट इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और इसको भी जो है वो हम देखते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो डायमेंशनली राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है फोर्स, और हमें पता है कि जो फोर्स की जो डायमेंशन है वो है बेसिकली के जी एम, जो उसकी यूनिट है के जी एम एस माइनस टू, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस टू, मतलब सेकेंड रेस्ट पावर माइनस टू है। तो इसको अगर हम के जी को देखें तो वो होता है मास से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम मीटर जो है वो लेंथ से होता है, लेंथ की पावर वन है, और जो टाइम है वो बेसिकली उसकी माइनस टू है, तो टाइम को हम माइनस टू टी माइनस टू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम राइट हैंड साइड क्यू जो है वो यहाँ हम उसको देखें
तो राइट हैंड साइड है एम वी स्क्वेयर ओवर आर। तो अगर हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें अगर हम पुट करें तो मास जो है वो एम वन है, ठीक है, और जो v है हमारे पास वो हमने देखा था कि वो एल टी माइनस वन है, एम एस माइनस वन जो इसकी यूनिट है और इसका जो है वो स्क्वेयर हो गया, और जो r है उसको अगर हम देखें तो वो लेंथ के इक्वल थी, उसकी जो डायमेंशन है, ठीक हो गया। अगर हम नेक्स्ट अगर हम इसको जो है वो सॉल्व करें तो m वन हो जाएगा, ठीक है, और जो l है वो बेसिकली उसकी पावर स्क्वेयर हो जाएगी, और जो t है माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, और जो नीचे जो है वो l पावर वन जो कि इसकी गिवन है, ठीक है, पावर अगर हम उसको बाहर लिख लें तो कोई मसला नहीं है। तो अगर हम जहाँ देखेंगे कि इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन है, तो अगर जो है ना ये माइनस होंगे, ठीक है, तो अगर हम इनको जो है वो माइनस कर लें, ठीक है, एल टू माइनस वन, क्योंकि ये जो पावर है जब ये ऊपर जाएगी तो इसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, इसका साइन जो है वो चेंज होगा, और जो टाइम जो है वो माइनस टू हो जाएगा साइन। अगर हम इसको सॉल्व करें, टू माइनस वन जो है वो आपको आता है जो कि दोस्तों होता है एल वन, ठीक हो गया, और जो टाइम होगा वो बेसिकली माइनस टू होगा, सही हो गया। तो अगर हम यहाँ से इसको जो है वो एक ही जो रिलेशन में अगर हम लिखना चाहें, एक ही स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखें, तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस टू। अब अगर हम इसको जो है वो टू का नाम दे दें, जो रिलेशन वन है और रिलेशन टू को अगर हम कंपेयर करें तो ये बेसिकली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम जो है वो इसी तरह जो है वो लास्ट में लिख लेंगे कि फ्रॉम वन एंड टू जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इस तरह हम जो है वो इसको लिख सकते हैं कि जो f है वो बेसिकली m v स्क्वेयर ओवर r के इक्वल है, और ये बेसिकली जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो इस तरह जो है वो हमने देखा कि f जो है वो m v स्क्वेयर ओवर r के इक्वल है। इस तरह जो इसकी कुछ और जो एग्जांपल्स हैं वो हम जो है वो अपने जो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें जो है वो देखेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ जो है वो ये जो दो इक्वेशन थी इनको देखा कि ये क्या जो है वो डायमेंशनली जो है या फिर नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर समझ आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।